बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत ने खुदकुशी की या उनकी हत्या हुई, अब इस राज से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सवाल आगे ये है कि होना क्या है आगे। सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई पहुंच रही है, लेकिन यहां थोड़ा सा पेच फंस सकता है। कोरोना महामारी की वजह से नियमों के तहत बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई टीम को भी क्वारंटीन किया जाएगा। बीएमसी कमिश्नर के बयान के बाद तो ये सवाल और भी मजबूत है। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय पथ में सीबीआई को जांच सौंपना मंजिल तक पहुंचने का पहला कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच में क्वारंटीन वाला पेच फंसेगा। याद कीजिए, पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी जब बिहार पुलिस की एसआईटी टीम का नेतृत्व करने मुंबई पहुंचे थे तो बीएमसी ने उन्हें जबरन 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया था, हाथ में क्वारंटीन की मुहर भी लगा दी थी। तो क्या सीबीआई टीम को भी बीएमसी क्वारंटीन करेगी? ये सवाल बीएमसी कमिश्नर के बयान के बाद उठ रहे हैं। बीएमसी के कमिश्नर आईएस चहल ने कहा कि सीबीआई की टीम अगर मुंबई में सिर्फ 7 दिन के लिए आ रही है तो नियमों के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन सीबीआई की टीम 7 दिन से ज्यादा मुंबई में ठहरती है तो उन्हें क्वारंटीन से छूट के लिए ईमेल के जरिए इजाजत लेनी होगी और तब हम उन्हें क्वारंटीन से छूट दे देंगे। सीबीआई की टीम आज ही मुंबई पहुंच रही है। जाहिर है सुशांत केस की जांच हफ्ते भर में तो पूरी होगी नहीं। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि सीबीआई ने क्वारंटीन से छूट के लिए बीएमसी को ईमेल भेज आवेदन किया है या नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुंबई पहुंचते ही सीबीआई की टीम को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। वैसे महाराष्ट्र सरकार इस सवाल पर भी विचार कर रही है कि सुशांत सिंह की मौत की मुंबई पुलिस से समानांतर जांच कराई जाए या नहीं। इस मामले में महाराष्ट्र के महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोड़ी, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और न्याय विभाग के अधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच का स्वागत तो किया, लेकिन इशारों में अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई जांच राज्य की सहमति के बाद दी जाती है, इसलिए संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्य के संबंधों पर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस किया, जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच बेशक एक बड़ी जीत है। अब सवाल ये है कि सीबीआई जांच की दिशा क्या होगी, सीबीआई किस तरह जांच शुरू करेगी। सबसे पहले सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई पहुंचेगी। सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पुलिस से केस डायरी लेगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह का मोबाइल और बाकी जब्त सामान भी लेगी। मुंबई पुलिस से फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेगी। सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर फॉरेंसिक जांच करेगी। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी। दिशा सालियान की संदिग्ध आत्महत्या की जांच भी संभव है। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। सुशांत केस में सभी गवाहों और आरोपियों के बयान दर्ज होंगे। इसमें सबसे अहम है सीबीआई सुशांत के डिप्रेशन की बीमारी की असलियत पता लगाएगी। इसके लिए सीबीआई साइकोमेट्रिक मूल्यांकन कर सकती है। इसके जरिए सीबीआई पता लगाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत का मौत से पिछले 6 महीने का व्यवहार कैसा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुंबई पुलिस को भी सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करना होगा। पहली बार अब जो है सीबीआई जब जाएगी तो उनको मुंबई पुलिस से कोऑपरेशन मिलना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो बिहार पुलिस को उन्होंने नहीं दिया था, और इसीलिए थक हार के हमने सीबीआई की मांग की भी थी परिवार की तरफ से। तो अब लगता है कि न्याय अब जल्दी मिल जाएगा परिवार को, सच्चाई का पता चलेगा कि अल्टीमेटली कौन था, उनके मौत का जिम्मेदार कौन था, और मर्डर है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, ये सब बातों पे अब खुलासा आएगा, क्योंकि पहली बार इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है सही माने से। सीबीआई सुशांत सिंह के पिता और परिवार का पहले ही बयान ले चुकी है। परिवार सहित सुशांत सिंह के करोड़ों फैंस उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं।
सभी को उम्मीद है कि जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई के सामने 10 बड़े वो कौन से सवाल हैं जिसको लेकर वो अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। पहला सवाल ये है कि सुशांत की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या। दूसरा सवाल ये, सुशांत को क्या वाकई में डिप्रेशन था। तीसरा सवाल ये कि सुशांत के 15 करोड़ रुपए कहां गए, जिसको लेकर सुशांत के पिता और परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। चौथा सवाल ये, सुशांत की मौत में रिया की भूमिका क्या है, जो हमेशा से संदिग्ध रही, सवालों के घेरे में है। पांचवा सवाल ये, दिशा और सुशांत की मौत का क्या रिश्ता हो सकता है। छठा सवाल ये, सुशांत की डायरी के पन्ने आखिर किसने फाड़े हैं। सातवां सवाल ये, चश्मदीदों के बयान कितने सच हैं। आठवां सवाल ये, 66 दिन बाद मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की। सवाल ये भी कि सुशांत के स्टाफ की आखिर इसमें भूमिका क्या है। और दसवां सवाल ये, बॉलीवुड से जुड़े लोगों का क्या रोल है। राजीव रंजन मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं, जितेंद्र शर्मा दिल्ली से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब सीबीआई की टीम जब पहुंचेगी मुंबई, कहा यह जा रहा है कि क्या उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, मतलब उस पे ही दलील दी गई बीएमसी की तरफ से, उनके डायरेक्टर की तरफ से, कि अगर 7 दिन के लिए आते हैं तो रियायत है, अगर उससे ज्यादा के लिए आते हैं तो मेल करके परमिशन लेनी होगी। ये समझ से परे है। देखिए, जो बीएमसी ने वहां के लिए रूल बनाया हुआ है, निश्चित तौर पर उसी के अनुसार सीबीआई को उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वो 7 दिन के लिए मुंबई में आते हैं जांच के लिए तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा रुकना होता है तो उसके लिए उन्हें पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए भी सीबीआई रास्ता ढूंढ रही है और हो सकता है कि वो जो मुंबई में उनकी सीबीआई टीम है उसके जरिए बीएमसी से कॉन्टेक्ट करे और जो अगर ज्यादा रुकने का उनका प्लान है मुंबई में तो उसके हिसाब से आगे की वो तैयारी करेगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज दोपहर बाद जब सीबीआई की टीम जाएगी तो अपने साथ फॉरेंसिक टीम जो लेकर के जा रही है, तो पहली उनकी कोशिश ये है कि जो सुशांत का घर है जहां पर सुशांत की मौत हुई है उसका पूरी तरह से फोरेंसिक तरीके से मुआयना कर लिया जाए, ताकि एक एक चीजों को असली तसल्ली से जांच कर ली जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सुशांत की मौत के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि देखिए, इसके अंदर सबसे पहले इस पूरे मामले के अंदर ये जानना बेहद जरूरी है कि सुशांत की मौत किस तरह से हुई है, क्या आत्महत्या है या हत्या है, और अगर आत्महत्या है तो क्या उसके लिए किसी तरह से मजबूर किया गया है। तो इन सवालों का जो जवाब है वो सबसे पहले ढूंढना जरूरी है। सीबीआई की टीम अपनी जांच तो तब शुरू होगी ना राजीव, जांच तो तब शुरू होगी कि जब जांच करने दी जाएगी। अगर सीबीआई की टीम महाराष्ट्र पहुंच रही है, मुंबई पहुंचती है, उसके बाद अभी तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि भाई क्या उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा नहीं किया जाएगा। देखिए पयोदी, जिस तरीके से जो बात सामने आई है, इकबाल सिंह चहल जो बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि अगर 7 दिन से ज्यादा रुकेगी तो क्वारंटीन किया जाएगा और उसके लिए उन्हें परमिशन लेना होगा, लेकिन 7 दिन से कम रुकेगी तो उन्हें क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा सीबीआई इस बात को लिए पहले से मुस्तैद है या पहले से इस बात की ताकीद कर रही है कि आखिर उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ किस तरीके से होगा। जरूर है कि सीबीआई अपनी अलग अलग टीमों के जरिए यहाँ अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आने के बाद पूरे दस्तावेज जो कि अभी तक जो जमा किए गए हैं, यानी 56 लोगों के जो बयान दर्ज किए गए हैं, वो सारे दस्तावेज सीबीआई अपने हस्तगत करना चाहेगी और हस्तगत करने के बाद अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ जाएगी। जिस तरीके से जरूर कहा गया है कि 7 दिनों से ज़्यादा अगर रुकेंगे तो उन्हें ईमेल के जरिए लिखना होगा, ईमेल के जरिए लिखकर इसके बाद उन्हें परमिशन लेना होगा, ई परमिशन लेना होगा। इस लिहाज से सीबीआई का भी हेडक्वार्टर जो है वो भी पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। कल जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में राजीव, लेकिन लगता तो नहीं है ना कि सिर्फ 7 दिन की जाँच होगी, ये जाँच तो बहुत लंबी होगी, हर एक पहलू को सीबीआई को जाँचना है। पयोधी, जरूर है कि ये जांच जो है 7 दिनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, 7 दिनों से लंबा जांच चलेगा, लेकिन शुरुआती दौर में सीबीआई और वक्त नहीं जाया करना चाहती, क्योंकि अभी तक 60 दिनों से ऊपर का वक्त हो चुका है। कई ऐसे दस्तावेज होंगे, कई ऐसे साक्ष्य होंगे जिस साक्ष्यों के बदलने की संभावना हो सकती है या साक्ष्यों के मिटने की संभावना हो सकती है, लिहाजा सीबीआई अब ज़्यादा वक्त नहीं इसमें बिताना चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी मशक्कत के बाद से परमिशन मिले, कोर्ट के बीच में इंटरवेंस के बाद परमिशन मिला है, तो सीबीआई ने पूरी तरह से अपनी भी तैयारी की है। इस बात पर है, देखिए सीबीआई को जांच सौंप दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सीबीआई सही तरीके से जांच कर पाएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस, बीएमसी, महाराष्ट्र सरकार अपनी अपनी दलीलें दे रही है, अपने अपने
तर्क दिए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका जितेंद्र, बहुत बहुत, और राजीव आपका भी, आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।